देखा और दूसरे परछाइयों का अंधेरा हमारी मछलियों को निगलता रहेगा, एक करके हम सब खूंखार दरिंदों का। मगर एक दिन कोई सागर के उस पार ले जाएगा और तिफीति का चुराया। ओके स्टोरी, किनारा छोड़कर कोई नहीं जाएगा, हम यहाँ से। कोई राक्षस नहीं होते बच्चों, कोई नहीं, हम अपनी जगह पर ही रहेंगे बच्चों, हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, छोड़ के कहीं और क्यों जाए। पता है, जानता हूँ। चलो भी, चलो घर चलते हैं बेटा, चलो। बिल्कुल, मगर उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि यही बरस आती है, मुझे सब भी है, मगर तू अपने दिल की सुन जरूर, घर दिल तेरा ही है। आ जाना चाहता था जब से तुमने पहली बार आंखें खोली। ये पर्वत, तुम इस पर्वत के ऊपर अपना पत्थर रखो, मुझने जो सरदार बने, और उस दिन तुम हमारे लोगों का भविष्य हो माना, और ये लोग समुद्र हरा उतरना होगा। सभी की भलाई, ये सबका यकीन है, ये सबका यकीन। हर बारिश में ये छत टपकती है, चाहे मैं कितनी भी ताड़ पत्री लगाऊं। शीख कबाब है, मुझे बुला रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये टोटली डफर टाइप का निकम्मा है। ऊपर नहीं, अंदर छिपी होती है, बहुत अंदर। ये चीला तो कीड़े वाले पेड़ों को काट देंगे और हम नए पेड़ लगाएंगे। खाड़ी के जाल में ये देखिए, एक भी मछली नहीं फंस रही है। तो हम आइलैंड की दूसरी ओर डाल देंगे। यहाँ मछली, कानून हमारी हिफाजत के लिए है, इसलिए नहीं कि तुम्हें पानी न जा। ना जाने तुम इस पागलपन को कब। नाव में बैठकर गई तो नहीं ना? पापा को क्यों लगता है मुझे गहरे, वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि वो मुझे समझते ही नहीं, क्योंकि किनारे से दूर वो नौका लेकर निकले थे गहरे समुद्र। अचानक उन्होंने देखा कि उनका भाई डूब रहा था। तुम्हें खोना नहीं चाहते, कभी कभी किस्मत को मंजूर नहीं होता। किनारा जैसे कोई पुकारा, आती जाती है ये लहरें, है बुलाती मेरा हर कदम, मेरा हर रास्ता, हर उम्र फिर भी वो जहाँ आसमान दरिया से है जो मेरे साथ मिले, वो फिर चाहे को देखो खुशियाँ है, बातें सारी तय हो जो उनको जो है कहा, तो हिम्मत दूं जैसे मैं रहूं, खुश ही रहूं, जाने क्यों।
पूछ।